हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि आए दिनों पुलिस कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है, कई आम जो नागरिक होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के गिरफ्तार करते समय भी कुछ राइट्स होते हैं। यदि किसी आम नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उस आम नागरिक के भी कुछ राइट्स हैं जो गिरफ्तारी के वक्त जिनका वायलेशन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारे आम नागरिक हैं, हम जैसे गांव में देखते हैं कि उनको लॉ का नॉलेज नहीं होता है और पुलिस अपनी मनमानी करती है, जो वो चाहती है वो होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एक अरेस्ट व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उस व्यक्ति के क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला जो राइट्स है वो है राइट्स टू रिमेन साइलेंट, मतलब चुप रहने का अधिकार। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसके साथ मारपीट करती है और जबरदस्ती चीजें बुलवाने की कोशिश करती है। अगर उसको उस घटना के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मारपीट कर बुलवाते हैं। तो ये जो राइट टू रिमेन ऑफ साइलेंट है, ये जो अधिकार है आपका, अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे तो पुलिस आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा राइट है वो है राइट टू नो अरेस्ट ऑफ ग्राउंड्स, मतलब यदि आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको किस ग्राउंड्स पर किया गया है, कौन सा आपने ऑफेंस किया है, नॉन वेलेबल ऑफेंस, वेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। आपको एक राइट्स होता है कि आप उस व्यक्ति से पूछें, जो पुलिस है यदि आपको गिरफ्तार करती है तो उससे पूछें कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये आपका राइट्स है। उसके बाद आपका जो तीसरा राइट है वो है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ऑफ मजिस्ट्रेट। यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, कई बार पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और एक एक दो दिन तक आपको चौकी में रखती है, और ऐसी घटनाएं होती हैं कंटिन्यू। आप गांव में जब देखेंगे ऐसे एरिया जहां पे उतने जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो पता चला कि पुलिस ने दो दिन तक गिरफ्तार करके चौकी में रखे रहती है लोगों को। तो अब वो क्या हो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है पुलिस, लेकिन स्पष्ट प्रोविजन है लॉ में, सीआरपीसी में प्रोविजन है कि यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर जहां आपका जुडिक्शन वहां का आता है, वहां के मजिस्ट्रेट को सामने आपको उस व्यक्ति को पेश करना है। 24 घंटे से ज्यादा आप उस व्यक्ति को नहीं रख सकते, और यदि रखना भी है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन बहुत जरूरी है। तो यह भी एक आपका अधिकार है। उसके बाद आपका जो चौथा अधिकार है वो है राइट टू रिलीज ऑन बेल। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसको लेके बेल के प्रोविजन है। लाइक यदि आपने कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है या कोई वेलेबल ऑफेंस किया है, तो अगर आपने वेलेबल ऑफेंस किया है तो आपको जो बेल है वो थाने से ही मिल जाती है, उस चौकी से मिल जाती है जहां पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यदि आपने कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको लेके पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती, उसको लेके आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट ही आपको बेल देगी। तो राइट टू बेल भी एक अरेस्टेड व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद जो पांचवा अधिकार है वो है राइट टू कंसल्टेंट विथ लॉयर। आप कोई भी लॉयर से कंसल्टेंट कर सकते हैं उस लीगल मैटर्स को लेके, आप अपने मन के वकील को रख सकते हैं और जो भी मैटर लीगल मैटर होता है वो आपका लॉयर संभालता है, और पुलिस ये नहीं बोल सकती कि आप एडवोकेट नहीं रख सकती हो। ये आपका राइट्स है। आप दुनिया का, इंडिया का कोई भी लॉयर है, आप उसे हायर कर सकती हैं और उससे लीगल कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि इसको लेके क्या हो सकता है। उसके बाद जो छठा आपका अधिकार है वो है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर। आप मेडिकल, जो हम मेडिकल की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया जाता है तो ये पुलिस की भी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का मेडिकल करवाएं, और ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसका ये राइट्स है कि वो पहले बोले कि मेरा सबसे पहले मेडिकल करवाया जाए। ये भी आपका अधिकार है। उसके बाद जो आपका सातवां जो अधिकार है राइट टू फ्री लीगल एड।
आपके पास पैसे नहीं है, आप मन का कोई अपना एडवोकेट हायर नहीं कर सकते हो, तो आप स्टेट से ये गुहार लगा सकते हो, ये कोर्ट के सामने गुहार लगा सकते हो, कोर्ट से कह सकते हो कि मुझे स्टेट से कोई लॉयर दिया जाए ताकि वो मेरा केस लड़ सके। तो ये आपका अधिकार है और इसको लेके सीधा एक एक्ट बनाया हुआ है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका स्पेस जो प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को जो एडवोकेट नहीं कर सकता है, जिसके पास मनी नहीं है, वो जो फ्री लीगल एडवाइज है वो स्टेट कराएगी। तो ये जो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हर एक इंडिया के आम नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको कानून का ज्ञान नहीं होगा तो आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। अंग्रेजों के समय भी ऐसे ही शोषण होता था और आज भी आपके साथ ऐसा ही होगा, आपसे पैसे ले लिए जाएंगे छोटी छोटी चीजों को लेके। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इसके साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।